नमस्कार दोस्तों हर्ष द्विवेदी है मतलब ये तो नहीं है कि जुपिटर एंड वीनस प्लान एकदम पास में आएंगे जब आप अर्थ से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वीनस प्लान एंड जुपिटर प्लैनेट एकदम पास में आ गया है वैसे आपको पता है दोस्तों सन से अगर आप देखोगे वीनस प्लानट का जो डिस्टेंस है दैट इज पॉइंट सेवन एस्ट्रोनोमिकल यूनिट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब क्या होता है दोस्तों अर्थ एंड सन के बीच में जो डिस्टेंस है ना उसे आप वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोल सकते हैं ठीक है ठीके? इसके हिसाब से सन एंड वीनस के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज पॉइंट सेवन एस्ट्रोनोमिकल यूनिट एंड सन एंड जुपिटर के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज फाइव पॉइंट टू एस्ट्रोनोमिकल यूनिट इसे बोलते हैं दोस्तों प्लानिटरी कंजंक्शन या फिर प्लानिटरी मीटअप आपको ऐसे लगेगा कि दोनों प्लैनेट्स एकदम पास में हैं। वैसे देखा जाएगा तो वीनस एंड जुपिटर के बीच में मिलियंस ऑफ किलोमीटर का डिस्टेंस है फिर भी जब आप अर्थ से देखोगे आपको ऐसे लगेगा कि दोनों प्लैनेट्स सेम स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है वैसे वीनस एंड जुपिटर करंडली टू ब्राइटेस्ट प्लैनेट्स विजिबल इन द स्काई है दोस्तों फेबररी की शुरुआत में दोनों प्लैनेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है अगर आप डिग्री के हिसाब से बताओगे करीब 29 नाइन डिग्रीज था और फेब्रुवरी एंड तक वो 2.3 पॉइंट डिग्रीज तक हो गया और मार्च वन में वन डिग्री से नीचे होगा साथ साथ में और एक मेजर इवेंट होने वाला दोस्तों मार्च फर्स्ट को मून भी इस अलाइनमेंट को ज्वाइन करेंगे मून का जो अलाइनमेंट है Venus का सेवन डिग्री बिलो आपको देखने को मिलेगा तो बेसिकली एक ही प्लेन में जुपिटर वीनस एंड मून देखने को मिलेगा मार्च फर्स्ट अब दोस्तों वीनस एंड जुपिटर के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स आपको पता होगा वीनस इज द थर्ड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई आफ्टर सन एंड मून इट इज द सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड इज अर्थ क्लोसेस्ट प्लानिटरी नेबर तो अर्थ के सबसे पास में जो प्लानट है वो है वीनस वैसे मार्स भी है दोस्तों पर मार्स से भी पास में है वीनस जो है वीनस को अर्थ का ट्विन बोला जाता है दोस्तों बिकॉज इट इज सिमिलर इन साइज एंड डेंसिटी लगभग अगर आप देखोगे वीनस और अर्थ का जो साइज है वो सिमिलर है डेंसिटी भी सिमिलर है पर देखिए अर्थ एंड वीनस आइडेंटिकल ट्विन आप बोल नहीं सकते दोनों के बीच में काफ़ी रेडिकल डिफरेंसेस भी है वीनस का जो एटमोसफियर है वो थिक है टॉक्सिक है इट इज फिल्ड विथ कार्बन डाइऑक्साइड और आपको वीनस के एटमोसफियर में एलोइ क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड भी देखने को मिलेगा एंड वीनस हॉटेस्ट प्लानट इन अवर सोलर सिस्टम है इवन दो मिर्कुरी इज क्लोस टू द सन देखिए सन से सबसे पास में मिर्कुरी है वल, है कि नहीं केवल 0.4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से सन एंड मेरकुरी के बीच में जो डिस्टेंस है वैसे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब 150 मिलियन किलोमीटर है आप ध्यान दीजिएगा इसका मतलब यह है सन एंड अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज अराउंड 150 मिलियन किलोमीटर ठीक है देखिए मर्कुरी सन से सबसे पास में है ठीक है तो सबसे हॉटेस्ट प्लानट मर्कुरी होना चाहिए ना पर देखिए वीनस सबसे हॉटेस्ट प्लानट है एक्चुअली इसका रीजन यह है दोस्तों वीनस का जो एटमोस्फियर में कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा तो क्या होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा बेसिकली हीट जो है ट्रैप होगा एटमोस्फियर में ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से इसी को तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं ना दोस्तों देखिए आजकल हम क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए कार्बन एमिशंस को कम करने के बारे में बात करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि ज्यादा कार्बन एमिशंस अगर होगा तो अर्थ का सरफेस से हीट जो है स्पेस की तरफ रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का एक शील्ड बनेगा वो हीट को ट्रैप करके रखेगा इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं एक्चुअली इसे क्या होगा ग्लोबल वार्मिंग होगा है कि नहीं तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग वाला प्रोसेस है दोस्तों सदियों से वीनस में चल रहा है इस वजह से वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम वीनस का सरफेस टेम्परेचर जो है इट इज अबाउट 900 फारेनहाइट दैट इज 475 डिग्री सेल्सियस इज हॉट टू मेल्ट लेड इतना टेम्परेचर में लेड भी मेल्ट हो जाएगा ठीक है का सरफेस जो है रस्टी कलर है इंटेंसली क्रंच माउंटेन्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लार्ज बोल्कानोज भी प्रेजेंट है सर्फर्सिस्ट का, का कहना यह है का में जो बोलकानोस है दे आर स्टिल एक्टिव वीनस का एयर प्रेशर जो है काफी ज्यादा है दोस्तों बेसिकली अर्थ का सरफेस में जो एयर प्रेशर है ना उसे 90 गुना ज्यादा है वीनस का सरफेस में जो एयर प्रेशर है एंड इट इज सिमिलर टू प्रेशर यू वुड एनकाउंटर ए माइल बिलो द ओशन ऑन अर्थ ओशन सरफेस से अगर आप एक माइल नीचे चले जाओगे उधर जो प्रेशर है ना वो आपको वीनस का सरफेस में फील होगा अर्थ के साथ अगर कंपेयर करोगे वीनस का और एक मेजर डिफरेंस है दोस्तों Venus अपना एक्सिस में बैकवर्ड रोटेट करते हैं दोस्तों कंपेयर टू मोस्ट ऑफ अदर प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम बेसिकली अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं ये बात आपको मालूम है पर वीनस जो है ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं अपने एक्सिस पर इसका मतलब यह है सन राइज इन द वेस्ट एंड सेट्स इन द ईस्ट इन प्लैनेट वीनस अब हम जुपिटर के बारे में बात करेंगे आप सबको मालूम है जुपिटर इज फिफ्थ इन लाइन फ्रॉम द सन एंड इट इज द लार्जेस्ट प्लान इन द सोलर सिस्टम जुपिटर प्लान इतना मासिव है कि इट इज मोर देन देस एस मैसिटेड बाकी सारे प्लान को अगर आप एक साथ रखोगे उसे डबल मासिव है दोस्तों जुपिटर प्लान सन से जुपिटर का डिस्टेंस इज अराउंड 778 मिलियन किलोमीटर या फिर 5.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स जुपिटर में एक दिन दस खंडे का होता है दोस्तों इसे ए जोवियन डे बोलते हैं दोस्तों बट इट टेक्स अबाउट ट्वेल्व अर्थ ईयर टू कंप्लीट वन ऑर्बिट ऑफ द सन मतलब एन ईयर इज इक्वल टू ट्वेल्व अर्थ ईयर्स रेवोल्यूशन के लिए बारह साल लगाते हैं जुपिटर का एटमोस्फियर में आपको हाइड्रोजन एंड हीलियम सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा तो ये दोनों प्लैनेट्स का सेलेस्टियल डांस होने वाला है मून के साथ मार्च फर्स्ट को अगर आपके पास एक अच्छा टेलीस्कोप है आप इस इवेंट को देख पाओगे वैसे ये कोई पहली बार नहीं हो रहा दोस्तों इस तरह के प्लानेटरी कंजंक्शंस तो होते ही रहते हैं जैसे कि 2020 में सैटर्न एंड जुपिटर का ग्रेट कंजंक्शन हुआ था और अलग अलग प्लैनेट्स हमारा मून के साथ कंजंक्शंस में आते हैं जैसे कि मार्स हो गया वीनस हो गया जुपिटर हो गया सैटर्न हो गया कई बार इस तरह के कंजंक्शंस हुआ था पिछले साल तो दोस्तों दैट्स इट आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाय हैव बाई है